कैसे हैं बाबूजी? मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ पहले से बहुत। आप कैसे हैं इंद्र बाबू? और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? बाबूजी मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है बाबूजी। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ बाबूजी, चोर नहीं हूँ। शांत हो जाइए इंद्र बाबू, पानी दे उठा। बस बस प्लीज इंद्र बाबू शांत हो जाइए, ये थोड़ा पानी पीजिए, पानी पीजिए आप। देखिए इंद्र बाबू, अगर आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया है, तो ये मेरा वादा है आपसे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूं। हाँ इंद्र भैया, घर में भी सब बहुत परेशान हैं जब से आप गए, हम सब जानते हैं आपने कुछ नहीं किया है, सब सोनिया और उसके भाई की चाल है। आप चिंता मत कीजिए, बस अब आप घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन नहीं, जिम जिम ठीक कह रही है, आप इसके साथ घर चले जाइए। प्रतीक, मैं मुंह नहीं मोड़ रही, आप लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुम उम्मीदों की बात करते हो ना प्रतीक, हर उम्मीद के साथ एक विश्वास जुड़ा होता है, और आज कोई भी मेरे पति पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैं मानती हूं प्रतीक कि राकेश गलत थे, लेकिन आज जब वो अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी इस घर के लोग उनका साथ नहीं दे रहे, और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए तो मुझे समझाने के बजाय कावेरी को समझाओ। भाभी कावेरी आपसे, तुम क्यों सफाइयां दे रहे हो? क्या जरूरत है उनके सामने गिड़गिड़ाने की? अपना 50% शेयर लेती हैं तो लेने दो, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। कावेरी इस मामले में तुम ना बोलो तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं? प्रोजेक्ट के डूब जाने का इल्जाम तो मुझ पर ही लगाया गया है ना। ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है कावेरी। हाँ कावेरी, अगर तुम चाहती तो इस नुकसान को होने से बचा सकती थी। बस ये जोधा, जो होना था वो हो चुका। एंड प्लीज, आप लोग इस तरह हमारे सामने बार बार ना आया करें, हमारे जले पर नमक ना छिड़का करें। जाइए आप यहाँ से। क्यों प्रतीक, क्यों सह रहे हो इनका अपमान? मियाँ बीवी एक ही भाषा बोल रहे हैं। चलो लेट्स गो, आई से लेट्स गो। यशोदा ये पेपर साइन कर दो। ये क्या है राकेश? यशोदा ये पावर ऑफ अटर्नी है जो तुम मुझे दे रही हो। मुझे अब इस बात का डर है कि तुम्हारे देवर कहीं कंपनी अपने नाम न करवा ले, उसके दावेदार न बन बैठे, इसलिए हमें अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो राकेश, बताइए कहाँ साइन करना है। रुक जाओ, चोरों के लिए इस घर में जगह नहीं है, तुम्हें पता है? तुम्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस यहां सुख शांति सदन में अपने पैर डाल गई, तुम्हारे बदनामी में हमें क्यों घसीटते हो? पर क्या करें, तुम रिश्तेदार जो ठहरे, मेरे बेटी के पति हमारे घर के जमाई, और जमाई के तो नखरे सहने ही पड़ते हैं। मैं तुम्हारा हर नखरा सहने को तैयार हूं, पर एक नखरा मैं नहीं सहने वाली, वो है तुम्हारा संगीत, तुम्हारा म्यूजिक। मेरी शर्त, अगर तुमको इस घर में रहना है तो तुम्हारे सर पे जो सिंगर बनने का जुनून सवार है ना, वो तुम्हें भूलना होगा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। अंदर तुम्हारा कमरा है, जहां पे मेरी बेटी न जाने क्यों आंसू बहाते तुम्हारा इंतजार कर रही है, नहीं तो घर के बाहर जाने का दरवाजा तुम्हारे पीछे है। माँ जी लेकिन, तुम चुप हो जाओ, मैं अपने दामाद से बात करूं। तो बोलो इंद्र, क्या करना है?
वो कमरा या घर का दरवाजा? थी मैं कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? प्रिंती मुझ पे वो इल्जाम लगा, वो इल्जाम झूठ है, मैं जानती हूँ सब कुछ झूठ है, साजिश है तुम्हारे खिलाफ, जानती हूँ मैं, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। आई ट्रस्ट यू इंदर, आई ट्रस्ट यू। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। इंदर, प्रतीक भैया, so good to have you back. भैया, मैं बेकसूर हूं, जानता हूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम सबको तुम पर विश्वास है। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस से मैं निपट लूंगा। जयंती जी, भैया इंदर को अपने कमरे में ले जाओ। जी आओ इंदर। रंजन अभी आता हूं। इंदर को क्यों और कहां से ढूंढ के लाई हो? माँ जी हमने नहीं। चुप। मुझे तुम्हारा कोई नया झूठ सुनने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम इस घर के लोगों के दिलों में नई जगह बना पाओगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। माँ जी बस बस, मुझे झूठे लोगों के मुंह लगने की कोई इच्छा नहीं है, समझी? जा यहां से, दफा हो जा मेरी नजरों से। ये देखो, हम इन्हें ढूंढ ढूंढ के पकड़ाए गए और ये महारानी यहाँ पर बैठ करके झोंके ले रही हैं, ऊंघ रही हैं। उठाओ राजो जी, उठाओ। अरे क्या है? अरे सुने नहीं हो का भाई है? जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। और लाजो जी अब तो दुर्गा शंकर एंड फैमिली का क्या नाम से पावे का वक्त आ गया है। आप क्या कह रहे हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आवत। अरे समझने की कोशिश करोगी तभी तो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, हम ये कह रहे हैं कि वो इंदरवा जो है वही घर में वापस लौट के आ गया है, पुलिस उसे खोज रही है। अरे पुलिस उसे खोज रही है, हमारा का फायदा? हमरा का फायदा है? अरे देखो लाजो जी, पुलिस उसे ऐसे ही थोड़े ही खोज रही है, उसे तो ढूंढवाया जा रहा है। और कौन ढूंढवा रहा है? वो निखिल, वही निखिल जी की बहन सोनिया जो है वो क्या नाम से इंदरवा से शादी करना चाह रही। अरे ये तो हम भी जानते हैं, उस रोज ना ही पुलिस का लेकर यहाँ आई रही है। प्रीमा हमरा का फायदा? रही तुम बुड़बक्की बुड़बक्की, हमरा का फायदा? अरे देखो लाजो जी, अगर हम जो है वो निखिलवा को बता दें कि इंदर कहाँ है तो हमें क्या मिलेगा? का? हमें मिलेगा माल, रकम। माल? आपका मतलब रहा हमें रुपया मिलेगा? कितना हजार है? दिखा दी अपनी औकात, कितना हजार काहे? अरे भाई अब हजार का मामला गया, वो इलाहाबाद में रह गया, यहाँ तो लाखों में खेलने की बात करो। हाँ हाँ
हाँ, और देखो ये निखिल हमें तब तक रुपया देता रहेगा जब तक हम उसे इंदर की सूचना देते रहेंगे, इंदर की खबर देते रहेंगे। हाँ लाजो जी, हमारी खोपड़िया में अवई अवई एक प्लानिंग आया है। का? हाँ, अगर हम नैना देवी को और निखिल को एक कर दें तो एक और एक कितने? 11। हाँ, तो इससे क्या होएगा कि दुश्मन मजबूत हो जाएगा और ये घर जो हो जाएगा कमजोर। बस अब तो तभी कलेजे में ठंडक मिलेगी जब ये घर की सारी संपत्ति दुर्गा शंकर के नाम हो जाएगी और उस छुकरिया को क्या नाम से लगाया जाएगा ये घर से धक्का। दीदिया, भाभी, भैया की ये हालत है, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मैं इंदौर में ही थी ना अपनी ननद के पास, कहीं दूर तो नहीं थी ना, आपके पास वहां का फोन नंबर था कि नहीं? अरे दीदी, हमें भी तो कहां होश था, हम सब इतने परेशान थे, तुम्हारे भैया इस धोखे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, अचानक मानो हमारे पैर के नीचे की जमीन ही खिसक गई, और वो डॉक्टर भी तो कुछ साफ साफ नहीं कह रहे थे। भगवान जानते हमने वो पल कैसे बिताए। कितना मान था भैया को रिमझिम पे। अरे सब चकनाचूर हो गया भवानी का मान, हम तो अपना आपको दोष दिए जाते हैं। दोष? पता नहीं दोष किसे दे। वक्त को, किस्मत को, या इंसानों को, जो कुछ अच्छा नहीं हुआ बेचारा अविनाश। अरे उसका तो बहुत बुरा हाल है, तुम तो जानती हो मैं हमेशा इस शादी के खिलाफ थी, पता नहीं शायद ये दिन देखने के लिए उस शादी का होना जरूरी था। मैं अभी हॉस्पिटल जाती हूँ भैया से मिलने। दीदी, आप जब उन्हें अस्पताल में मिलने जाइएगा ना तो ये शादी वाली बात मत छेड़िएगा, क्या है कि मैंने झूठ बोला है, मैंने कहा है कि ये राज और रिमझिम की शादी की फोटो है ना, वो तो उनके कॉलेज के नाटक की फोटो है, और उनका दिल भी अब बात मान बैठा है। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि उनकी दिल की हालत इतनी नाजुक है कि वो शायद एक और सदमा बर्दाश्त ना कर पाए, इसलिए मैंने इस सच्चाई पर झूठ का पर्दा डाल दिया। आप जब उन्हें मिलने जाइएगा ना, आप भी ये झूठ निभाइएगा। सोनिया, मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि इंदर कहाँ चला गया, क्यों अचानक इंदर का गायब होना मेरी समझ में नहीं आया। सर, आपसे कोई मिलने आए। कौन? कोई दुर्गा शंकर। दुर्गा शंकर? कौन दुर्गा शंकर? भेज दो से। जी सर। ये दुर्गा शंकर कौन हो सकता है? जय जय निखिल भाई, हाँ मैं दुर्गा शंकर, भवानी शंकर जी के क्या नाम से छुटके भाई। और ये मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं निखिल भाई, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्या नाम से, अलबत्ता हम आपके लिए जरूर कुछ कर सकते हैं। वो हमारे पास आपके लिए एक खबर है इंदर बाबू के बारे में। इंदर के बारे में? तो जल्दी बताइए। नहीं नहीं सोनिया जी, जल्दी का काम शैतान का हुआ करता है। फिर देखिए ना निखिल भाई, इतनी कीमती खबर है
तो उसकी कीमत पहले से तय हो जाए तो फिर बात बने। कीमत बोलो। 5 लाख रुपए रोबर्ट कैश। सोनिया। यस। अब बताइए खबर। निखिल बाबू आप तो समझदार आदमी हैं। अब देखिए ना क्या नाम से माल तो तभी डिलीवर होता है ना जब पेमेंट हाथ में आ जाती है, हैं? जब रुपया आ जाएगा तो जबान अपने आप ही तो खुल जाएगी ना। गिन लीजिए। गिन लीजिए। हाँ नहीं नहीं वैसे वैसे गिन लेना चाहिए धंधे में, लेकिन निखिल बाबू अब आप पर तो इतना विश्वास करना ही पड़ेगा। जल्दी बताइए प्लीज। सुनिए आपके इंदर बाबू इस वक्त सुख शांति सदन में विराजमान है। खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं, जाइए पुलिस को इत्तला कर दीजिए कि उनका मुलजिम इस वक्त भवानी शंकर के घर में विराजमान है। अगर तुम्हारी ये खबर गलत निकली तो निखिल बाबू हम स्वयं आएंगे आपका ये बैग 5 लाख रुपयों के साथ आपको देने के लिए। अच्छा तब चलें। जय 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 जय। भैया एक काम करते हैं पुलिस को लेकर वहां चलते हैं और जैसे ही इंदर मिल जाएगा उसे यहाँ ले आएंगे। ओके चलिए ना लेट्स गो। अरे बुआ जी आप देखिए मैं पहचानती है ना, याद है मैंने ही पहचान कराई थी तेरी इनसे, अपने घर का एक सदस्य बता के मैंने ही पहचान कराई थी अपने भगवान से, याद है ना तुझे? याद है बुआ जी। तूने तो अपने मन की बहुत सी बातें की थी इनसे, कभी अपनी सच्चाई भी बताई नहीं। हमने रोज इनसे अपनी सच्चाई बताई है बुआ जी। क्या है वो सच्चाई मैं पूछती हूँ, क्या है वो सच्चाई? अरे मुझे भी तो बता। हम रिमझिम सिर्फ अविनाश को चाहते, वही हमारी जिंदगी और ये परिवार हमारी दुनिया। रोज अपने मांग के सिंदूर और अपने मंगलसूत्र की रक्षा की प्रार्थना की है इनसे, और अगर हमारे हमारे गोपाल जी की मूर्ति बात कर सकती बोल सकती तो आपको सच्चाई यही बता देती। मेरी कसम खा, मेरी कसम खा और कह दे कि रुको आज हम कसम खाते हैं हम सिर्फ अविनाश को प्यार करते हैं। राज को जानते जरूर थे लेकिन शादी ये सब झूठ है। हम सिर्फ अविनाश की पत्नी हैं, जिएंगे तो उनकी पत्नी बनकर और मरेंगे तो उनकी पत्नी बनकर। ये सच है बुआ जी।